आज मैं 7th क्लास का कुछ टॉपिक रह गया था जिसका नाम है क्लास 7 लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। देखिए इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ए फॉर्मूला जैसे 2x + 4, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्लियर हो गया? तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखो प्लस एक्स माइनस चार इसका टू हो गया, तो माइनस होता क्या होता है प्लस होता है, तो एक्स इसका टू हो जाएगा 2 प्लस, इसको उधर ले जाए प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, राइट। दूसरी क्वेश्चन एक्स प्लस टू इसका टू 4, प्लस होता क्या होगा माइनस, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 4 - 2 इसका टू 2, इसको इससे माइनस करो 2 हो गया, राइट। और थ्री क्वेश्चन, जैसे लिखिए 3x इसका टू 9, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करो क्या होता है डिवाइड, तो एक्स इक्वल टू हो गया 9/3, तो ये कट गया कितना आ गया 3। अगला क्वेश्चन, अगर कोई संख्या ऐसा हो x/2 यहाँ हो गया 8, तो ए डिवाइड कोटा क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक लगा के, एक्स इंटू 1 इसका टू हो गया 8 × 2, तो एक्स का कितना हो जाएगा 16, तो ये आपके आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्लियर हो गया, जैसे देखिए 2 यहाँ पे हो गया x + 4 इसका टू 18, तो ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कोटा डिवाइड होता है, तो इसको इससे कट कर सकते हो 9, तो x + 4 इसका टू आपको 9 आ गया, प्लस कोटा जाते हो माइनस होता है, एक्स इक्वल टू हो गया 9 - 4 इक्वल टू 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे छठा क्वेश्चन है, जैसे कि मानो कि x + 4/2 इक्वल टू हो गया 2, तो क्या करेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4, तो यानी x + 4 इक्वल टू 2 × 2, राइट। तिरछी गुणा कर दिया, इसको इसे कर दिया, x + 4 इक्वल टू आपका हो गया 4, और प्लस कोटा क्या होगा माइनस, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 - 4 इक्वल टू हो गया 0, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर हो गया? आज देखिए मैं बेटा आ रहा हूँ, तमाम जो चीज़ें हैं इक्वेशन पर मैं पेपर में आएगा, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, इसको प्लीज याद रखिएगा, और जब भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करें आप, ठीक है। जैसे आया 1/3, जैसे कि अब इसमें नोट्स है, कुछ नोट्स है, इसको इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे कि मैं लिखूँ 1/3 एक तिहाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/3, जैसे लिखा मैंने 3 × 3 यानी 3 × 3, ट्वाइस 2 × 3, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे मैंने लिखा डिमिनाइज, तो क्लियर हो गया ना, डिमिनाइज्ड, यानी इसका मतलब हो जाएगा घटाव, यानी सब्ट्रैक्ट मतलब हो जाएगा माइनस, ठीक है। 1/5 यानी 1/5 भाग, इसका हो जाएगा 1/5, आधा एनी हाफ 1/2, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है आप जैसे कि अगर आ गया कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री, पूरक यू यहाँ भी आ सकता है, सप्लीमेंट्री संपूरक 180 डिग्री, दो लगातार पूर्णांक संख्या 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर, यानी हम जाएगा x और x+1, ठीक है। और इसके बाद हो गया
अभी आपको हो गया जिसमें लिखा संभाव त्रिभुज, संभाव त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका होता है तीनों बराबर ए ए ए, तीनों बराबर होगा। अब आ गया संधिबाहु, संधिबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल्स इसका दो साइड इक्वल होगा ए और ए और बी, इसका दो साइड इक्वल होगा, उसको कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल्स, इसको आप नोट कर सकते हो। तो देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आप अच्छी तरह ध्यान से देखना वीडियो को, मन से मतलब देखना। देखो दोस्तों जैसे क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर ऑफ सम इज 90, ठीक है 90। तो अब क्या लिखेंगे, जैसे 90 हो गया तो अब देखिए यहाँ पे, यानी दो लगातार पूर्णांक का योग 90 है। देखिए तो कुछ क्या होता है, एक्स और एक्स प्लस वन हो गया, तो यहाँ पे योग बोल रहा है सम, इन सम बोल रहा है, तो इसके लिए यहाँ प्लस करेंगे, सॉल्व कितना हो गया 90। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इसका हो जाएगा 90, तो यहाँ हो जाएगा 2x इसका कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, इसको उधर ले जाओ माइनस हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 89, तो यहाँ हो जाएगा 2x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 89/2। दिस इज क्वेश्चन, ओके ठीक है, क्लियर हो गया ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दो लगातार सम पूर्णांक, पूर्णांक का योग 88 है, टू सम कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर 88, यानी x हो गया और सम बोल रहा था यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। अब इन दोनों का योग बोल रहा है सम, ठीक है, इसको लिख कितना आ गया 88, राइट। इसके आगे भी लगा दो, एक से 2x हो गया, 2x प्लस 2 इसका 2 हो गया 88, राइट, प्लस बेटा क्या होगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2x इसका 2 88 माइनस 2 इसका 2 हो गया 86, तो यहाँ हो गया 2x, राइट। अब इसे ही आपका कट जाएगा 2 4 जाए 2 2 3 जैसे जैसे, यानी x का हो गया आंसर 43, डी से आंसर, ठीक है। तो ये था आपका लीनियर प्रॉब्लम का मैथ, और इसके बाद जो भी कोई मैथ आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप जरूर करिएगा, जब तक के लिए नमस्कार।